निमोनिया लंग्स का वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो आपको सांस लेने में दिक्कत कर सकता है, और ये इतना कॉमन इन्फेक्शन का कॉज है कि यह आपको कम्युनिटी में भी हो सकता है, आपको हॉस्पिटल में भी आसानी से हो सकता है, आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तब भी आपको आसानी से हो सकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास करेंगे लंग्स के एल्वियोलाई के इस इन्फेक्शन में राहत देने में होम्योपैथी आपकी क्या मदद कर सकती है, इस विषय पर आज चर्चा होगी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे निमोनिया के विषय में। निमोनिया एक लंग्स का ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आपको परेशान कर देता है और आप इसकी दवा करते रहते हो लेकिन यह कंट्रोल नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएँ निमोनिया को यानी लंग इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए और ठीक करने के लिए। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं निमोनिया होता क्या है। निमोनिया साथियों लंग्स का किसी भी कारण से जो लंग्स का फेफड़ों के हमारे एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, उसके इन्फ्लामेशन को, उसके इन्फेक्शन को जिसके कारण वह इन्फ्लेम हो जाए उस स्थिति को निमोनिया कहते हैं। यानी कि आपके लंग्स के एल्वियोलाई के इन्फ्लेमेशन को किसी भी इन्फेक्शन के कारण, इस स्थिति को निमोनिया कहते हैं। यह एक घातक स्थिति होती है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। निमोनिया के सिम्टम्स, जब आप सांस लेते हैं तो आपके सीने में दर्द होता है, आपको वीकनेस आती है, आपको सांस फूलती है, आपको सीने में खरखराहट रहती है और सीने में कसाव रहता है और आप फीवरिश रहते हैं। यह कुछ सिम्टम हैं निमोनिया के। बात कर लेते हैं साथियों कारणों की। निमोनिया के तमाम कारण होते हैं जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, दूसरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और तीसरा होता है हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वह स्थिति होती है जब आपको समाज में आने जाने, किसी के छींकने खांसने से आपको वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई का इन्फेक्शन लंग्स में हो जाए और लंग्स के एल्वियोलाई सूख जाए, इसको कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। दूसरा होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। जब कोई मरीज हॉस्पिटल में बहुत दिन तक एडमिट रहता है तो वहाँ पे अगर उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंग्स में हो जाता है, जब वो इलाज किसी और चीज़ का करा रहा है लेकिन उसको निमोनिया हो जाता है, इसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और तीसरा होता है हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया वह स्थिति होती है कि जब जो हमारे हेल्थ वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होता है, नर्स होता है, वो बहुत समय तक आउटडोर क्लिनिक्स में रहने के उनको किसी मरीज से निमोनिया हो जाए, तो इसको कहते हैं हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया। इस तरह यह तीन प्रकार के निमोनिया होते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। होम्योपैथी में कारगर दवाएं हैं जो आपके निमोनिया को कंट्रोल, मैनेज और ठीक कर सकती हैं। हम आपको बताएंगे इन्हीं में से कुछ कारगर दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों ये बता दें, ये दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपकी इस परेशानी को, निमोनिया की किसी मरीज की परेशानी को हल करने का एक प्रयास करते हैं। साथियों एक सिम्टम, इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है निमोनिया के पेशेंट में कि जब ऐसा मरीज खांसता है तो उसके सीने में दर्द होता है। तो अगर आपको कफ से, खांसने से आपको सीने में दर्द होने लगे किसी मरीज को, तो उस स्थिति में उसके मर्स को यानी निमोनिया को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। आप ब्राइनिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपको खांसने से सीने में दर्द होता हो, आपके रस्ट कलर्ड का जो जंग होता है लोहे के, उस कलर का जो है वह आपके बलगम आ रहा हो और आपको चलने से तकलीफें बढ़ रही हों, तो इस स्थिति में ब्राइनिया बहुत अच्छी दवा है आपके निमोनिया को मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। एक स्थिति ऐसी आती है कि मरीज के डर बैठ जाता है कि
कि अगर वो सो गया तो उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी। तो अगर आपको निमोनिया का इन्फेक्शन हो और आपको इतना डर लग रहा हो, आपको जागना पड़ता हो कि वरना आपके सीने की धड़कन रुक जाएगी, ऐसी फीलिंग होती हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ग्रिंडेलिया। आप ग्रिंडेलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी इस सेंसेशन को भी ख़त्म करेगी, आपके निमोनिया को भी ठीक करेगी और आपके लंग्स की बेटर हेल्थ के लिए एक टॉनिक के रूप में काम करेगी। एक स्थिति साथियों आती है निमोनिया में कि मरीज सांस नहीं ले पाता है, मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो और उसके राइट साइड सीने के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा हो और उसको सफोकेशन महसूस हो रहा हो, तो अगर यह 3 सिम्टम है साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर वो मरीज ले सकता है जिसको कि सीने में कंजेशन है, सफोकेटिव फीलिंग है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसके राइट अपर लंग्स के पार्ट में, चेस्ट के पार्ट में पेन हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है इस स्थिति में। आर्सेनिक एल्बम के मरीज को साथियों थोड़ी थोड़ी देर पे प्यास लगती है, 10 से 12 रात में ऐसे मरीजों की तकलीफें बढ़ती हैं और आर्सेनिक एल्बम डायबिटीज़ की भी बहुत अच्छी दवा है। तो निमोनिया के ऐसे केस में आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं जिसमें कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। एक स्थिति साथियों निमोनिया में आती है कि आपके बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई हो, बलगम जम गया हो और उसका रेजोल्यूशन हो गया हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके रेजोल्यूशन हो गया हो लंग्स में और बिल्कुल लास्ट निमोनिया की आ गई हो, तो उसमें भी आपकी मदद करने के लिए होम्योपैथी में एक दवा है और दवा का नाम है स्टैनम आयोडेटम। आप स्टैनम आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके सीने में बलगम बिल्कुल जम गया हो, एक्सरे में बिल्कुल जमा बलगम दिखाया जा रहा हो और वह रिजॉल्व हो गया हो, तो उसको एक्सुडेट कराने के लिए, उसको हटाने के लिए अगर सल्फर फेल होती है, पहली दवा सल्फर है, अगर सल्फर फेल होती है तो स्टैनम आयोड आपकी मदद करके यहाँ भी आपको इस स्टेज पर भी आपको ठीक कर सकती है। एक स्थिति साथियों आती है निमोनिया में सीने में भारीपन, तो अगर आपको चेस्ट में हेवीनेस लग रही है और शाम के वक्त आपकी तकलीफें बढ़ रही हैं 4-5 बजे के बाद और आपको ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, तो होम्योपैथी में ऐसी स्थिति में निमोनिया को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपके सीने में भारीपन हो, आपको ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद हो और शाम के वक्त आपकी तकलीफें बढ़ती हों और आपको सूखी खांसी आती हो, तो फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवा है। यह दवा लेके आप निमोनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी मरीज के निमोनिया का इन्फेक्शन हुआ हो, उसके सीने में जकड़न हो, बहुत ज़्यादा कंजेशन हो और जो उसके पसीना आ रहा हो वह ठंडा हो, कोल्ड स्वेट हो, तो अगर यह स्थिति हो कि सीने में मरीज के बहुत ज़्यादा जकड़न हो निमोनिया की स्थिति के कारण और ख़ास तौर से उसका पसीना ठंडा हो, कोल्ड स्वेट हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रीचीना। स्ट्रीचीना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपके एंटीम टाट वाली दवा के यानी सीने में जकड़न वाली स्थिति के सिम्टम है लेकिन आपका पसीना ठंडा है तो स्ट्रीचीना आपको मदद करेगी, आपके निमोनिया को कंट्रोल करेगी और आपको ठीक करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी की सांस बहुत ज़्यादा फूल रही हो, अगर सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन तक रिक्वायर्ड है तो उसमें आप एक दवा की मदद ले सकते हैं अपने को निमोनिया के केस में आराम देने के लिए और वह है आयोडम। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली हर वो मरीज ले सकता है जिसको कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो, बहुत सांस फूल रही हो, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत हो और उनके गाल बिल्कुल लाल हो गए हों, चीक्स रेड हो गए हों, तो अगर यह स्थिति हो तो आयोडम आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है और आपको लाभ दे सकती है। एक स्थिति साथियों आती है कि मरीज का सीना बिल्कुल जकड़ गया हो, अगर आपको कंजेशन, सीवियर कंजेशन ऑफ चेस्ट है विथ रैटलिंग साउंड, खड़खड़ाहट हो रही है सीने में और पूरा सीना आपको जकड़ा लग रहा है बलगम से अंदर, तो उस स्थिति में निमोनिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एंटीम टार्टिकम। एंटीम टार्ट 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपको सीने में जकड़न महसूस कर रही हो, बलगम पूरा भरा हुआ महसूस हो रहा हो, तो एंटीम टाट आपको ठीक करेगी, आपके लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करेगी, निमोनिया को ठीक करेगी और आपको स्वस्थ करेगी।
एक स्थिति आती है निमोनिया में साथियों, कि कुछ मरीजों के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया और बाद में वहाँ जगह जगह उसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया, और जो पस होता है, बैक्टीरिया वायरस होता है, वह क्रिस्टलाइज हो जाए, तो अगर उनका एक्सुडेशन हो जाए तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सल्फ़र। आप सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपके लंग्स में निमोनिया का इन्फेक्शन है और आपके पैचेस लंग्स में आ गए हैं, तो सल्फ़र ऐसी दवा है जो आपके इन पैचेस को ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज़ के पीला बलगम आ रहा हो, बलगम में बहुत बदबू हो, तो अगर आपके ओफेंसिव स्पूटम हो रहा है और आपके बलगम में बहुत बदबू है और आपको खांसी आ रही है, तो उस स्थिति में निमोनिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है हीपर सल्फ़र। आप हीपर सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके बलगम को भी ठीक करेगी और आपके खांसी को भी ठीक करेगी और मरीज को भी निमोनिया में आराम देकर सुकून में लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी को निमोनिया की शिकायत हुई और उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई, पैल्पिटेशन बहुत तेज़ होने लगा, उसकी पल्स बहुत तेज़ हो गई, तो अगर हार्ट के सिम्टम्स लंग्स के सिम्टम्स के साथ इन्वॉल्व हो निमोनिया के इन्फेक्शन में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है विरिटम विरिडी। विरिटम विरिडी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं निमोनिया की उस स्थिति में जब आपके लंग इन्फेक्शन हो, आपके सीने में जकड़न हो और साथ में आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही हो और आपकी पल्स बढ़ रही हो, उस स्थिति में विरिटम विरिडी आपको लाभ देगी और आपके निमोनिया को ठीक करने में और हर सिम्टम्स को रिलैक्स करने में आपकी मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है निमोनिया में कि मरीज़ को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, उकाई आ रही, खाना देख कर भी उसे उकाई आ रही, यूँ भी आ रही और हल्का हल्का बलगम उसके सीने में है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको नौजिया और वॉमिटिंग की स्थिति हो निमोनिया के केस में, तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है इपिका। आप इपिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं निमोनिया की उस स्थिति में जब आपको वॉमिटिंग और नौजिया महसूस हो रहा हो, आपको सीने में थोड़ी जकड़न हो और आपको उकाई महसूस हो रही हो, तो निमोनिया में इपिका आपकी बहुत मदद करेगी और आपको ठीक करेगी। एक स्थिति आती है जब आपकी निमोनिया की शुरुआत होती है, किसी के शरीर में निमोनिया का इन्फेक्शन शुरू होता है और उसको बहुत तेज सर्दी लग के बुखार आता है, तो अगर पहली स्टेज हो निमोनिया की जिसमें आपको सर्दी लग के बुखार आया हो, तो उस स्थिति को वहीं पर निमोनिया को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है एकोनिटम नेप्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया को ठीक करने में, जिसमें कि आपको फीवर भी चिल होती है, बहुत सहायक होगी और आपको जो सीने में दर्द हो रहा है कफ के साथ, उसमें आराम देके बुखार उतार के आपके निमोनिया को भी ठीक करने में आपको मदद पहुँचाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को, खास तौर से बुजुर्ग लोगों को, सीने में जकड़न हो और पीला बलगम आ रहा हो और सीने में बहुत जलन हो, तो अगर यह स्थिति हो कि आपके पीला बलगम आ रहा है, आपके निकल रहा है स्पूटम और सीने में आपके बहुत जलन है, गैस बन रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके निमोनिया को ठीक करेगी, आपके एसिडिटी को ठीक करेगी और आपके पीले बलगम को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों आती है खास तौर से बुजुर्गों में कि बलगम सूख गया है, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा बलगम निकलता है और खांसी आती है और आपको निमोनिया यानी लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत है, तो अगर यह स्थिति हो कि साथियों बलगम सूख गया हो बिल्कुल और बहुत मुश्किल से निकल रहा हो, तो उस स्थिति में उस बलगम को पिघलाने और लंग्स इन्फेक्शन को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है सेनेगा। आप सेनेगा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके बलगम को भी ख़त्म करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी निमोनिया के विषय में, ये दवाएं थी निमोनिया को ठीक करने के विषय में। दवाएं साथियों बहुत कारगर हैं, लेकिन लंग्स के एल्वियोलाई का ये इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक स्थिति होती है जिसको निमोनिया कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, उससे प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके
सबसे पहले सबसे नया वीडियो यही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथी और हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.